हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है एक्सला टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से। एक्सला टेक्नोलॉजीज़ हायरिंग कर रहा है डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए एज अ वर्क फ्रॉम होम जॉब। इमीडिएट ज्वाइनिंग है आपकी, 2 to 2.5 लाख पर एनम आपकी सैलरी रहने वाली है। एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो 0 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी फ्रेशर्स कैन अप्लाई। स्पेशली ये जॉब फ्रेशर्स के लिए रहने वाली, ठीक है। अब बाकी के चलिए डेट्स चेकआउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने लास्ट डेट दे रखी है 18 जैन, लेकिन उस पर मत जाइएगा, वो ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे ही फुलफिल्ड हो जाती है 2 दिन 4 दिन 5 दिन में वो एप्लीकेशन वो बंद कर देते हैं, ठीक है। सो 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं इसको पोस्ट हुए, तो 18 जनवरी मत जाइएगा, जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। अब जाते हैं अबाउट टेक्सला टेक्नोलॉजीज़। टेक्सला टेक्नोलॉजीज़ क्या है? ग्लोबल लीडर्स इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन। एक्सला डिलीवर्स टेक्नोलॉजी एंड डेटा ड्राइव एंड इनोवेशन फॉर बिजनेस इन ऑल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का और बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन का वर्क करती है। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छी और बड़ी कंपनी है ये। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक इन्होंने दिया है, आप इसको ओपन करके भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब जाते हैं क्या आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है। इनपुटिंग डेटा एक्यूरेटली इनटू आवर कंप्यूटर सिस्टम, मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग डेटाबेसेस एंड स्प्रेडशीट्स, ऑर्गेनाइजिंग एंड फिलिंग डेटा, वेरीफाइंग एंड रिव्यूइंग डेटा फॉर एरर्स। तो सारा डेटा से रिलेटेड आपका वर्क रहने वाला है। एक्यूरेटली पहले उसको फीड करना है, उसको मेंटेन करना है, अपडेट करना है और वेरीफाई करना है कि उसमें कुछ गलतियां ना हो, दैट्स इट, ठीक है। अब चलिए बाकी चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं। दिस इज़ अ कम्प्लीटली डेटा कैप्चर जॉब बेस्ड ऑन सी एंड की मॉडल। अब ये सी एंड की मॉडल क्या है वो आपको बताया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट पोजेस गुड टाइपिंग स्किल, ऑब्वियस सी बात है। कैंडिडेट मस्ट हैव देयर ओन लैपटॉप डेस्कटॉप विद अ इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पे ये आपको लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं प्रोवाइड करने वाले हैं, अगर आपके पास है तो आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। एनी ग्रेजुएट 0 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस प्रेफर्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस है कि ग्रेजुएट हो कम से कम, ठीक है, फ्रेशर हो चलेगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। प्रेफर्ड कहा है, इंटरमीडिएट आप हो तो ट्राई कर सकते हो। सपोज आप इंटर पास हो, टाइपिंग वगैरह आती है और आपके पास कोई लैपटॉप वगैरह है, आप ट्राई कर सकते हो। बिकॉज इन्होंने प्रेफर्ड की बात की, तो अगर आप इंटर पास हो, टाइपिंग भी अच्छी है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट ग्रेजुएशन को इन्होंने प्रेफरेंस दे रखी है, ठीक है। दिस इज़ अ कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम जॉब, ठीक है, पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। तो जो लोग घर पे बैठ करके डेटा एंट्री का काम, सिंपल सा वर्क होता है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है। ऐसे काम को आप अपनी पढ़ाई के साथ भी कर सकते हैं, घर बैठे कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी लोकेशन, जहाँ पे भी आपका नेटवर्क पहुँचता है, अगर गांव वगैरह में अगर आपको पहुँचता है आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। सो स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है? MS Excel और MS Office। तो MS Excel अलग से देने की ज़रूरत नहीं, MS Office के अंदर ही आपका MS Excel आता है, ठीक है। सो MS Office में क्या क्या चीज़ें आती है जो आपको डेटा एंट्री में यूज़ होती है? जनरली MS Excel, दूसरे नंबर पर MS Office, ठीक, सॉरी MS Word, ठीक है। तो MS Word भी समटाइम्स, जैसे आपको टेबल बना करके अगर एंट्री करनी है, तो अदरवाइज मोस्टली एक्सेल यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। अर्न सर्टिफिकेट्स इन दीज स्किल्स, तो ये सारी स्किल्स में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। क्या है? लर्न MS Excel, लर्न बिजनेस कम्युनिकेशन, लर्न एक्सेल, लर्न SAS प्रोग्रामिंग, लर्न क्लिनिकल ट्रायल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। तो देखिए आप जब यहाँ पे काम करोगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा इन सारी स्किल्स का, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वर्क कराएंगे, जो आपको डेटा एंट्री का वर्क देंगे वो कहीं ना कहीं से रिलेटेड होगा। तो आप सीख जाओगे तो आपको यहाँ से जब सर्टिफिकेट मिलेगा एक्सपीरियंस का, तो इन सारी चीज़ों का सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपके आगे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सैलरी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 2 to 2.5 लाख पर एनम, ठीक है। और नंबर ऑफ ओपनिंग्स की बात किया जाए तो 15 है, 15 ओपनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम नहीं है। अगर आप जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर देते हो, अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हो, तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।